अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड कैसे है आप सब लोग मेरा नाम अब्दुल्ला देखने अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल मस्तुल्ला फ्रेंड्स ये हमारा हसलपुर टूर का पार्ट फाइनल पार्ट है और आज हमें थोड़ा सा दुख भी हो रहा है क्योंकि आज हम लोग वापस जा रहे हैं फिर मुझे मैं इसलिए थोड़ा सा सैड हूँ लेकिन आज हम लोगों ने तो वैसे छुट्टियों में आना था लेकिन हम लोगों ने मम्मा से ज़िद करके हम लोग अब वीकडेज़ में आ गए और अब हम घर जा रहे हैं हम ज़्यादा दिन इसलिए नहीं रह सकते छुट्टियाँ होती तो हम ज़्यादा दिन रह लेते हम ज़्यादा दिन इसलिए नहीं रह रहे हैं क्योंकि ये वीकडेज हैं और अभी हमारे पेपर्स भी होने इस वजह से तो आज हम लोग सीधा जाएंगे अभी होटल वहाँ से हम लोग हेड इस्लाम की फ़िश बिरयानी ट्राई करेंगे मैं मामूल से सुना है कि वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है तो हम जाके के देखें कि वो बिरयानी कैसी है मुझे तो लगता है वो काफ़ी ज़्यादा मज़े की होगी फ्रेंड्स मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि ये बिरयानी कैसी होगी क्योंकि मेरे ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस फिश बिरयानी है और ये शायद कोई ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल डिश है और अभी हम लोग सीधा जा रहे हैं बिरयानी की तरफ और आप व्यू चेक कर रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कितना प्यारा है यहाँ पे साइड पे कितने भी प्यारे प्यारे स्टॉल्स वगैरह लगे हैं और कितने प्यारा ग्रीनरी हुई हुई है रोड भी कितना साफ़ सुथरा है और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ से जाने में लेकिन एक बात है धूप बहुत ज़्यादा है और गर्म थोड़ी सी गर्मी भी लग रही है इसी के बावजूद भी और यहाँ पे देखे फ्रेंड्स हम लोग हासलपुर को आज छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि आज हम लोगों ने घर जाना है सीधा यहाँ से हम लोग सीधा अभी यहाँ से हम लोग अब सीधा जाएंगे आप ही के घर आप ही घर से सीधा जाएंगे अपने घर ठीक है तो अब हम लोग जा रहे हैं सीधा की बिरयानी की तरफ और हमें आपको भी रिव्यू करके बताना है कि आपको आ, हम यह बिरयानी कैसी लगी है और आपको पता जब भी हम कोई चीज़ ट्राई करते हैं खाने की तो हम लोगों को वो बनाने का दिल करता तो अभी फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं जी हेड है इस्लाम और हेड इस्लाम को ना मुझे लगा मैंने इस दफ़ा बोटिंग करनी थी लेकिन इस दफ़ा इसका इतना पानी ख़त्म हो गया ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है और काफ़ी ज़्यादा गहरा है लेकिन मुझे इस दफ़ा बहुत अफसोस हुआ है कि इसका सारा पानी सूख गया बस थोड़ा सा थोड़ी साइड पर पानी रह गया शायद यहाँ पे कोई ब्रिज वगैरह या कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है आपको नीचे क्रेन्स वगैरह नजर आ रही है ना तो इसलिए यहाँ पे ना कोई बन रही हैं थोड़ी कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है इसलिए शायद पानी ज़रा कम है और ये देखें फ्रेंड्स जो कितना लंबा ब्रिज है और इसके ना अंदर पहले हम लोग एक दफ़ा आए थे बोटिंग करने लेकिन जो आप ही जो आप ही हैं जो यहाँ आप अपिया जो है हमारी तो उन्होंने हमें नहीं करने दी थी क्योंकि उनको डर लगता है कि और उन्होंने कहा था ये काफ़ी ज़्यादा गहरा इसलिए उन्होंने हमें नहीं की थी हम लोगों ने तो पहले भी करनी थी तो मम्मा ने भी हमें नहीं करने दी थी इसलिए नहीं हम लोग करने गए थे इस दफा तो हम तय करके आए थे कि हम लोग यहाँ पे वोटिंग करने के लेकिन इस दफ़ा मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ कि यहाँ पे तो अब पानी नहीं है इतना ज़्यादा यहाँ पे देखें फ्रेंड्स यहाँ पे भी मस्जिद है और अब यहाँ पे थोड़ा ऊबड़ खाबड़ रास्ता है आप देखें गांव वाला हैश टैग गाँव फ्रेंड यहाँ पे देखें फ्रेंड अभी यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन हो रही है और यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही हाल बेहाल हैं क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन जो हो रही है और अब हम लोग जी सीधा यहाँ से सिर्फ थोड़ा सा रह गया फिश बिरयानी का रास्ता हमला हम लोग आपको उसका दिखाएंगे कि यहाँ पे होटल कैसा मुझे पहले मुझे लगा था कि यहाँ पे कोई फाइव स्टार होटल में मामू हमें लेके जाएंगे लेकिन जब मैंने देखा तो मामू हम लोगों ने को यहाँ पे किसी ढाबे दाब, पे लेके आए मुझे लगा कोई मज़े का रेस्टोरेंट होगा जिसका मैं आपको व्लॉग करके दिखाऊंगा लेकिन यहाँ पे तो कोई ऐसा रेस्टोरेंट ही नहीं है खोदा पहाड़ निकली चुई है ये देखें फ्रेंड्स ये वाली कहावत हो गई है और हम लोग अब लोग हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं ये यहाँ पे ही हम लोगों ने फ़िश बिरयानी ट्राई करनी है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश लगा होता है ज़्यादा लोग तो यहाँ पे फ़िश ही खाते हैं क्योंकि इनकी फ़िश भी बहुत मज़े की होती है लेकिन आज हम लोग इनकी फ़िश बिरयानी ट्राई करने हैं करनी है फिश मिलती है मामू ने आने से पहले इनको कॉल कर दिया था कि आप फ़िश बिरयानी तैयार करें और हम यहाँ पे देखें फ्रेंड यहाँ पे फ़िश फ्राई फ़िश फ्राई हो रही है और मुझे तो देख के ही मज़ा आ रहा है लेकिन अब हम लोग खाएंगे फ़िश बिरयानी क्योंकि उसके अंदर भी फिश है और फ्रेंड्स देखें हमारी फिश बिरयानी आ गई है कैसी लग रही है आपको मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़े की लग रही है पहले मुझे लगा कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कांटे हो गई है देखें फ्रेंड रायता भी है मैं... वो पहले मुझे लगा कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कांटे होंगे लेकिन ना वो सिर्फ़ मछली के अंदर थे कांटे लेकिन वो भी थोड़े से थे कांटे मुझे तो खाने में बहुत मज़ा आया और मैं तो मज़े ले ले कर सारों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया था फ्रेंड कोक के साथ तो मज़ा और दुबाला हो गई है फ्रेंड देखें मुझे तो मज़ा आ ही जा रहा है और सारे मिल मिल खा रहे हैं ये देखें फ्रेंड्स अब्दुल अब्दरमान पीछे बैठा हुआ है सब लोग को ये बिरयानी काफ़ी ज़्यादा मज़े की लगी थी और ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और अब हम लोग सीधा जा रहे हैं जी मियाँ चन्नू की मियाँ चन्नो क्योंकि हम लोग उधर से अगले दिन सीधा हम लोग अपने घर के कोटरा तक किचन निकलेंगे और अभी हम लोग फिलहाल बिहाड़ी में और यहाँ पे लाइफ विद आरम शेजाद रहता है आप उसके चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल मस्त अब्दुल्ला को भी सब्सक्राइब करें अरम शहजाद हमारा आप लोगों के शहर आए हुए हैं विहाड़ी और ये देखें अरम शहजाद आपने इसकी वीडियो बनाई थी इम्तियाज़ मॉल है मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया फ्रेंड्स के हम लोगों ने आपके साथ ये जर्नी इंजॉय की हाजलपुर टूर के पार्ट थ्री आए आपको तीनों ही बहुत अच्छे लगे होंगे और मुझे भी उम्मीद है कि आपको तीनों बहुत अच्छे लगे होंगे हम लोगों ने अपना पूरा बेस्ट रह दी है हम लोगों ने अपने पार्टनर देखें फ्रेंड्स नर्सरी भी है और फ्रेंड जहाँ पर भी नर्सरी मुझे नज़र आती है ना मेरा दिल करता है कि मैं नर्सरी नर्सरी में जाके ना यहाँ पे प्लांट्स देखूँ फ्रेंड्स छोटे होते तो जब हम लोगों ने प्लांट्स का शुरू किया था ना जब मम्मा का दिल कर रहा था तो जब हमने प्लांट्स की जर्नी शुरू की थी तो मुझे लगा नर्सरी कोई वो बच्चों की जो क्लास नहीं होती वो वाली नर्सरी मुझे लगी थी फिर मुझे पता चला कि प्लांट्स की भी नर्सरी होती है क्योंकि वो छोटे छोटे होते हैं क्योंकि उनको फिर छोटे से होते हैं इसलिए हम उनको बड़ा करते हैं तो वो भी प्लांट की नर्सरी होती है फ्रेंड्स यहाँ पे देखें कितना प्यारा पार्क भी है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है और आप लोगों को हमारे साथ ये जर्नी कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताएं और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स और ये देखें फ्रेंड्स यहाँ पे कितनी प्यारी डेकोरेशन दे, हुई हुई है और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं बस स्टैंड पहुँच गए हैं और ये अब यहाँ से हम लोग सीधा जाएँगे मियाँ <laughs> मियाँ चन्नू से सीधा जाएंगे हम लोग अपने घर और आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी असलपुर टूर का पार्ट थ्री आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को अगर लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मैं मिलता हूँ आपको और किसी इंटरेस्टिंग सी और मज़ेदार वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़